नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। मैं हाजिर हूँ आज विश्व कविता दिवस के दिन। आज वर्ल्ड पोएट्री डे है और इसी उपलक्ष्य में पिछले 3-4 दिनों से मैं रोज़ 10 मिनट के लिए लाइव जाती हूँ केवल, और किसी एक पीस के विषय में बातचीत करती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ उस पीस का थॉट प्रोसेस कि वो कहाँ से उपजा। ये सारे पीसेज जो हैं, ये सारे ज्वेलरी पीसेज या वॉल डेकोर, ये सब कविताओं से उपजे हैं। तो आज आखिरी सेशन है इस पूरी सीरीज़ का जो मैं पिछले 4-5 दिनों से कर रही हूँ। उम्मीद है मेरी आवाज़ आ रही है। प्लीज़ कोई मुझे एक बार चेक दे दे तो मैं फिर आगे बढ़ूँ। मुझे कृपया एक बार बता दें कि मेरी आवाज़ आ रही है और मैं ठीक से दिख रही हूँ। कोई भी प्लीज़। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ती हूँ। ये पीस बहुत ही स्पेशल पीस है क्योंकि मुझे लगता है कि हम में से काफ़ी लोग, ख़ास तौर पे औरतें, पर कुल मिला के काफ़ी लोग इससे रिलेट कर पाएंगे खुद को। ये मेरी खुद की ओरिजिनल पोएट्री नहीं थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया था कि हम लोग वॉल डेकोर जब हमने स्टार्ट किया था, दीवारों के लिए कविताएं शुरू की थी जब हमने, तो हम केवल ओरिजिनल कविताएं कर रहे थे, अभी भी ओरिजिनल ही करते हैं। तब हमें बहुत सारे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था, डीएम में, मैसेजेस में आने लगा था कि क्यों नहीं आप ये कविता करें या ये कविता करें। तो हमने बोला कि हम किसी भी कवि की, हम खुद की कृतियाँ करते हैं या फिर बहुत पुराने कवियों की बहुत फेमस कृतियाँ करते हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, मेरी ओरिजिनल है, आप प्लीज़ बना के दीजिए। तो हमें लगा कि इतने लोग लिखते हैं, क्यों ना हम आप लोगों से पूछें कि आप बताइए कि आप क्या देखना चाहेंगे अपनी दीवारों पर। तो हमें बड़ी प्यारी एंट्रीज़ आई और हमने उनको कहा कि हम जो भी लोग एंट्रीज़ देंगे, हम जो भी पीस बनवाएंगे उसमें हम ये हक या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हम उसको आपको दिखा कर उसके बाद हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो राज़ी हो गए जो भी जो भी इस इसमें जिन्होंने भी हिस्सा लिया है इस पूरे चीज़ में। तो ये वाली एक ये जो पीछे दिख रही है आपको कविता मेरे, ये वहाँ से उपजी थी। तो ये लिखी थी असल में तनिष्का करके उनका नाम है और टिकलिश करके उनका हैंडल है। एग्जैक्टली ये शब्द नहीं थे, मैंने मॉडिफाई किया थोड़ा सा और उनको पूछ के किया मॉडिफाई, क्योंकि उनके शब्द थे तो ये खेल नहीं कर सकती थी मैं। तो उन्होंने लिखा था, सुनो 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 कि कैसे तुम आग हो, सुनो तुम शोर नहीं आवाज़े आगाज़ हो। मतलब आगाज़ माने शुरुआत। तो मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया उसको और ये असल में एंड में निकला, शोर नहीं एक नई आवाज़ की शुरुआत हो। तो ताकि काफ़ी लोगों को समझ में आए, उन तक पहुँचे, इस वजह से शब्दों को थोड़ा मॉडिफाई किया और थॉट को वही रहने दिया। फिर क्योंकि मुझे ये पढ़ पढ़ के इतना अच्छा लगने लगा, शायद मुझे कभी अपनी आवाज़ उठाने के या अपने आप को बहुत स्ट्रांगली जाहिर करने का मौका मिलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि क्योंकि मुझे आवाज़ उठानी ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं प्रिविलेज्ड हूँ, बहुत अच्छा बचपन बीता मेरा, बहुत फॉर्चुनेट हूँ, बहुत अच्छे परिवार से हूँ, बहुत माँ बाप बहुत अच्छे हैं, उसके बाद में फिर जो मेरा जीवन साथी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे आवाज़, शायद मुझे इस थॉट को लिखने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कहीं से, पर जब मैंने ये थॉट पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा कि बहुत लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे और फिर मैंने इसको आगे बढ़ाया और इस पे बड़ा खूबसूरत एक कथक डांस परफॉर्म किया था। मेरी एक दोस्त है विनीता, अब दोस्त हैं, कोक स्मिथ के ज़रिए मिली हूँ मैं उनसे, तो वो मेरे पेज पर है, उनके पेज पर भी है, विनीता जी करके हैं, बहुत अच्छा उन्होंने कथक के साथ में इसको मिक्स किया, इस कविता को वो ज़रूर सुनिएगा जाकर। तो कविता है, मैं शोर नहीं आवाज़ हूँ, मैं शोर नहीं आवाज़ हूँ, मैं अंत नहीं शुरुआत हूँ, मैं अंत नहीं शुरुआत हूँ। दायरे भी खुद बनाती हूँ, दायरे माने जो मेरा एक बॉर्डर है, मुझे इससे बाहर नहीं लांघना है, सीमाएं जिसको हम बोलते हैं, और ये मैंने अपनी बच्ची से देखा सीखा
कि वो खुद अपने दायरे बनाती है और खुद ही जो मन करता है फिर उन्हीं को पार कर लेती है। तो वहां से ये लाइन आई, मैं शोर नहीं आवाज हूं, मैं अंत नहीं शुरुआत हूं, डायरी भी खुद बनाती हूं, फिर तोड़ के इनको कभी कभी खुद बाहर में आ जाती हूं। ये पंख भी मेरे अपने हैं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है मुझे पंख उड़ने के लिए, मेरे हैं ये। ये पंख भी मेरे अपने हैं, आजादी मेरी अपनी है, ये जो आजादी मेरे पास है ये मेरी है, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, किसी को मुझे अर्पण करने की या देने की जरूरत नहीं है। ये पंख भी मेरे अपने हैं, आजादी मेरी अपनी है, इजाजत की मोहताज नहीं, मैं खुद अपनी कायनात हूं, इजाजत की मोहताज नहीं, मैं खुद अपनी कायनात हूं, मैं खुद अपनी कायनात हूं। शुक्रिया शुक्रिया इस कविता को सुनने का, और ये मेरे बहुत दिल के करीब पोइम है, क्योंकि जब मैंने इसे लिखा तो मैं क्या बताऊँ, मैं एक अलग एक्सपीरियंस हुआ इसको पढ़कर और इसको बोलकर, फिर मुझे और अब मेरे करीब लगने लगी मुझे ये कविता, और मुझे लगा कि आप में से काफ़ी लोग इसको रिलेट करें, आई होप सो, मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छी लगे, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और आज आखिरी दिन था, फिर भी अगर आपको किसी और पीस के विषय में जानने का मन करे तो प्लीज़ मुझे डीएम कीजिएगा कि ये कहाँ से उपजा या वो कहाँ से उपजा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मेरे लिए कोई भी पीस सिर्फ एक पीस नहीं है, वो एक रच जगह से निकला है, कविता से निकला है, एक थॉट से निकला है, एक बातचीत से निकला है। थैंक यू संगीता दीदी, थैंक यू सोनिया गुप्ता, थैंक यू बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, शुक्रिया ये कविता सुनने के लिए, बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ।